कटकरे बीच रास्तार 5 फुट्र बड़ गर्त बर्षा पर धसी जा रास्ता कटक सीडीए सेक्टर 7 मरकतनगर अंचल एभली घटना वर्तमान चर्चार विषय पलटि 5 वर्ष पूर्वे एठारे स्वरेज काम होता बेले वर्षा पर रास्ता धसी जा जहाँ को नहीं स्थानीय अंचल लोकों भितर भय खेली सेपटे घटना पर केवल बाली पकाई चली प्रशासन तालीपका तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासख जोड़ी होती कटकु आम प्रतिनिधि इमरान खान जोड़ी होती इमरान वर्तमान रास्तार दृश्य कौन अच्छी कारण विजुआल जो दृश्य आसूची पूरा संपूर्ण एठू स्पष्ट हो जाऊँगी जे रास्ता दबी जा गोटे बड़ गर्त सृष्टि वर्तमान स्थित कौन से चिन्मय देखो जेहतु गत काली वर्षा होता है वर्षा पर कटक सीडीए सेक्टर 7 मरकतनगर नगर थाना अंचल एक 5 फुट्र बीच रास्तार गर्त हो सीधासख बर्तन दृश्य देखिए हूँ प्रथम भिजुआल जेहतु आप देखिपे पखापाखी 5 फुट्र ये बड़ गर्त हो जेहेतु गत काली जो वर्षा होता वर्षा पर एक छोटिया होल रास्तार होता है और परवर्त अवस्था जिते बड़े पा वर्षा जिते बड़े है से वर्षा पा भितर पशिकी रास्ता पखापाखी 5 फुट्र धसी जाइए और ता सामने घर मध्य रही है लोक मानक जेहतु ये हूँ सीडीए कटक जहाँ भिआईपी अंचल कहते हैं सीडीए सेक्टर 7 मरकतनगर थाना अंचल दृश्य मुझे देखुरी जेहतु वर्तमान एभली घटना घटा पर लोक मितर ये भय बर्तमान पशि जाए कहीं गत खासकर विगत 5 वर्ष पूर्व स्वेरेज कम होता है और स्वेरेज कम होगा पर जेहतु गत काली जिते बड़े वर्षा होता ये वर्षा पर स्थित होती 5 फुट्र ये गर्त हो जाफल कि लोक मितर स्थानीय लोक मितर बर्तमान भय पशि कहीं आप देखुवे जिते बड़े ये खबर सामना को आसला तो परवर्त अवस्था प्रशासन पक्षर स्वेरेज डिपार्टमेंट पक्षर केवल बाली पकईकि चली जाइए से माने किंतु जो यार जो निराकरण करने कथा ता सठिक भाव में हो पारे आप सीधा सड़क दृश्य देखुवे केमी एटी होल हो जाए 5 फुट्र पाखापाखी गत हो जाए तड़े केवल मटी रही स्वेरेज जो चैंबर अच्छे से चैंबर केवल देखा जाए कि जो बा सठिक भाव में फिल करने कथा बाटी भर्ती करने कथा ताइना केवल गोटी दृश्य नुहे ए अंचल पाखापाखी विभिन्न जगार से होल हो आउ कि समय जब देखा जब वर्षा अधिक हुए ताले रास्ता आहरी धसवर संभावना रही है जहाँ को लोक भय रही आम सहित स्थानीय बासिंदा अठिकार सीधा सड़क आम प्रतिक्रिया ना जे कौन कहते कौन रहा प्रतिक्रिया जेहतु यह भाव में गर्त बर्तमान होती भितर भय मधुबान हो जाए जो बर्तमान घटना घटी वर्षा पर कल रास्ता धसी जाइए कौन कहे जेहतु आप अंचल रोचान हेलो सर कहार कारण है कि एक्चुअली स्वरेज सब प्रोब्लेम स्वरेज पर सीडीआई भितर बहुत अवस्था स्वरेज भाव स्थाणु अवस्था अच्छी काली एक सुनला पीडब्ल्यू जून एसडीओ जेई से आसिकिना आसी सांगे सांगे पदक्षेप नहीं थे दुटी बाली भी दी साइड पकईकिना रास्ता को अवरोध करते एपर्त माकर स्वरेज कि सीएमसी देखा साक्षात नहीं भितर दिज टाणी भितर आउडीओ सीडीए अधिकारी आम हीनता हो तेणु आप देखिले भल हाँ ये घटना प्रथम थर होती या पूर्व होता ना कितने वर्ष पर घटना एक्चुअली स्वरेज कम ये 5 वर्ष पूर्व होता तो यही भाया किसी है ना हेले मैं लास्ट गोटे मस हम ये खुंटा एमती नई है तो तापर कम्प्लेन थोड़े दिखाई है म्युनिसिपैलिटी वाला तो से किसी स्टेप नहीं ना तो तापर तीन दिन है यहाँ धीरे धीरे दबिला बेला आसाला तो काली वर्षा पूरा एत बड़ गात तो आप देखते ये भी गात धीरे धीरे लंबिला बड़ बड़ा तो स्टेप ना एक्चुअली पूरा जगटा ही कर तो आप कौन बाली केवल फिलिंग किसी जगह भितर गात हो तो सीट ना प्रोब्लेम हम आगे आम सहित आज किसी स्थानीय बसिंद अच्छा ये घटना बारंबार घटू जिते बड़े डिपार्टमेंट विभाग भितर समन्वय रोनी आपठ मसक बिल दूसरी जोटा आप दबा कथा टैक्स दूसरी कितु जिते बड़े ये घटना घटू समाधान सठिक भाव में ठीक समय रही पार आज्ञा देखो सीडीए जो मैंने काम कंट्राक्टर मैंने भलसे कम करूना आज्ञा खाली बाली पकईकि बीच चढ़ईदे कौन सी केत लास्टिंग कर मजबूत कम है यह पर्स्थित उपजीवन तेणुक आम दयाक आम सीएमसी को कहचु ये कि कमटा भलसे हो जोटा कि स्थानीय बासिंदा बारंबार छोट पा अच्छा घर एम जमी सफर न हूँ दया करी कामटा शीघ्र कर दिंतु आम ये अनुमति कर चिन्मय आप प्रतिक्रिया शुणुते स्थानीय बासिंदा जो मैंने रोचर जो अभोग रोचे विभाग रोच सीएमसी हूँ स्वेरेज हूँ
ବା PWD ହେଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଏ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହେବ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କଟକରୁ, ଏବଂ CDAରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, କାରଣ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଫଳରେ, ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି CMC ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।